आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स का जो पेपर होता है एंट्रेंस का, उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी लेकर आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बैचलर डिग्री जो है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी डिग्री है। इनफैक्ट काफ़ी स्टैंडर्ड डिग्री है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। और आज यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाए रखता है, एक अलग नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है इसका। अगर आप चाहेंगे तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे इस यूनिवर्सिटी में, अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो AMU BCOM ऑनर्स एंट्रेंस का पेपर किस तरीके से कराया जाता है, कितनी सीटें होती है टोटल इसके अंदर, इसके बाद इसमें आपको फॉर्म डालने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन रियाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कट ऑफ कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं और कुछ सर्च करके इधर से गूगल करके हम ज़रूर ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ पैसा तो लगना है नहीं। तो आप सिर्फ नॉलेज के लिए ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो जैसे ही आते हैं आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। हो सकता है कि वीडियोज़ आपके काम के नहीं हो सकता है, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब यंगस्टर्स ही हैं, सारे स्टूडेंट्स ही हैं। लेकिन आपका छोटा भाई हो सकता है, घर में कोई छोटी बहन हो सकती है, चचेरा भाई हो सकता है, या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है जिसके काम का ये वीडियो हो सकता है। तो अगर आपको नॉलेज रहेगी तो एटलीस्ट आप उसको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज हैं और इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये इनका एंट्रेंस पेपर क्वालिफाई करने का ये तरीका है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो अबाउट AMU BCOM ऑनर्स एंट्रेंस पेपर। ऑलराइट, चलिए। तो ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है, मतलब कि 3 साल टोटल लगेंगे। इसके बाद सीटों की बात करते हैं हम, तो फीमेल की सिर्फ सीटें हैं जो 100 हैं और मेल्स की जो हैं 180 है, यानी कि टोटल मिला के मैं बात करूँ तो 280 सीटें हैं, 280 सीट्स आर देयर। और BCOM ऑनर्स में भी मैं बताऊँ आपको तो काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स आती हैं, कंपनियाँ यहाँ पर आती है, बच्चों को लेके जाती है यहाँ से अच्छे खासे पैकेज में। तो अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप किसी भी कीमत पे चूकिएगा मत, छोड़िएगा मत ऐसे कैंपस को। ऑलराइट, नाउ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए आपका? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन कॉमर्स और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द नॉट लेस देन 55% मार्क्स। मिनिमम आपके एक तो आप प्लस टू होने चाहिए कॉमर्स में पास, और दूसरे 55% मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए क्लास 12th में इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश एंड अकाउंट्स। इंग्लिश और अकाउंट तो आपके ज़रूर ही 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो और 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें से इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ भी हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है और स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है। लेकिन आपके इंग्लिश और अकाउंट्स ज़रूर ही होने चाहिए, क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए, और मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, ये तो बात हुई। डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन थ्योरी इन एग्रीगेट। अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में, तो उसमें भी आपके 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पैटर्न पे। देख लीजिए, अलीगढ़ में जितने भी ऑलमोस्ट पेपर होते हैं तो मैक्सिमम का जो स्कीम है एक ही है, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, यानी कि टोटल परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी, 100 मार्क्स की होगी। ऑलराइट, नाउ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग इसका 1/4 होता है, मतलब कि एक गलत क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसका 0.25 मार्क्स लूज होगा आपका। ऑलराइट, मतलब कि 4 अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क आपका चला जाता है, मतलब 0.25 × 4 = 1, और एक सही उत्तर का भी आपको मिलता है 1 मार्क।
तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करें, जो आपको लगता है कि नहीं इसको मैं नहीं कर सकता, नहीं जानता हूँ, आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को टच भी ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का समय है और ऐसे में सीटें बहुत कम होती है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं या गलत करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ जाता है आपकी मेरिट में। ऑलराइट, हो सकता है कि 0.25 मार्क्स से आपका एडमिशन नहीं हो, रुक गया, तो कितना दुख होगा आपको काउंसलिंग के बाद। ऑलराइट, चलिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को में जब भी बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, हमारे जहन में होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब हम टेस्ट के पैटर्न पर चलते हैं। क्या है, देखिए, सबसे पहले तो इसमें ABCDEFG, ऑलराइट, तो 4 और 3 7, 7 सब्जेक्ट से 7 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, देख लीजिए, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। देन अकाउंटेंसी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। इसके बाद बिजनेस स्टडीज से आपके 15 मार्क के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा और 15 क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि क्लास 10 तक जो भी मोटा मोटी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है आपने, अगर क्लास 12th में भी कॉमर्स पढ़ा होगा तो उसमें भी मैथमेटिक्स होती है ठीक ठाक सी, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। ऑलराइट, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देख लीजिए, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देख सकते हैं कि इसके भी 10 मार्क्स होंगे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, उसके भी 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके एंड करंट अफेयर सारे आते हैं, तो 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे, तो ये 10 10 10 10। और इसके बाद इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस के 25 20 और 15। अब मैं आता हूं आपके मेन मुद्दे पे, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और समय होगा जो आपका वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए आपकी स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऑलराइट, अब मैं चलता हूँ आपके मेन सिलेबस पे। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ देख लीजिए 25 20 15, देन इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 10 10 ईच। ऑलराइट, सो ये 25 20, ये हो गए 45 45 एंड 15। ऑलराइट, ये होगा 60 एंड 60 एंड 40 इक्वल्स टू 100, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ऑलराइट, नाउ आई एम कमिंग टू सिलेबस पार्ट। नाउ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, इसका बीकॉम ऑनर्स का जो पेपर है, इंग्लिश का पोर्शन है सबसे पहला, जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या क्या होंगे देख लीजिए आप। इसमें आपकी 12th लेवल तक की अंग्रेजी टेस्ट की जाएगी कि कितना अच्छा, हाउ वेल यू आर वर्स्ट इन योर इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन रादर एंड ग्रामर एज वेल। तो कॉम्प्रीहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड यूजेस, वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रीपोजिशंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, जो टोटल मिला के 25 क्वेश्चंस होंगे और उन पर नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 है। तो इसलिए अंग्रेजी को सुधारने का बहुत सही तरीका यही है कि रोज एटलीस्ट आधा से एक घंटा, हाफ टू वन आवर एटलीस्ट यू गिव टू योर इंग्लिश पार्ट। चाहे कुछ भी पढ़िए, लेट इट बी एनीथिंग, न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश में, कोई भी बुक पढ़िए, कोई नॉवल पढ़िए, और ग्रामर थोड़ा सा देखिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हर दिन तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे करके, और जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे उस वक्त एग्ज़ाम में जब बैठ रहे होंगे तो। ऑलराइट, नाउ दूसरा पोर्शन है अकाउंटेंसी के, जिससे 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। अकाउंटेंसी में देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा आपका, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, देन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये सब कुछ अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होगा क्लास 12th में तो आपके सिलेबस में इंक्लूड है NCERT में। ऑलराइट, या बाकी भी कोई भी स्टेट बोर्ड वाला भी होगा उनके लिए भी है ये। नाउ कंपनी अकाउंट्स में क्या होगा, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर टीचर, री इशू, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। नाउ फोर्थ वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी रेशियोज, कैश एंड एज पर रिवाइज स्टैंडर्ड इशूज बाई ICAI। ओके, नाउ
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो ये अकाउंटेंसी के होंगे जो इंक्लूड करेंगे आपके 20 क्वेश्चंस। नाउ बिजनेस स्टडीज़ पे आता हूँ मैं, बिजनेस स्टडीज़ के 15 क्वेश्चंस होंगे, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ में आपके पूछे जाएंगे नेचर फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान्स, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। नाउ थर्ड वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रीड्रेसल सिस्टम, ये बिजनेस स्टडीज से होंगे जिनके 15 क्वेश्चन टोटल होंगे। अब इकोनॉमिक्स से आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में क्या होंगे कि आपके कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लॉज एंड डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देन गवर्नमेंट बजट, ये होंगे इकोनॉमिक्स के। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी आपके ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ओके, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्सन, कोएफिशिएंट एंड क्वार्टाइल डेविएशन, देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम जो है ये इन्होंने कॉमर्स का पार्ट ही डाला हुआ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है इसमें स्टैटिस्टिक्स के हैं, सांख्यिकी के हैं। इसके 10 क्वेश्चंस होंगे तो इस पर भी आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। नाउ सिक्स पार्ट इज़ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 10 क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या होगा देख लीजिए आप, क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि DI कहते हैं, जिसे क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑलराइट। इसके 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखिएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में क्या क्या होंगे देख लीजिए आप, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी हैं छोटे बड़े, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनेस्को, सब कुछ आएंगे इसके अंतर्गत, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, ये होंगे जनरल अवेयरनेस से। इनके 10 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और ये थे आपके टोटल 100 मार्क्स को इंक्लूड करने वाले। मैं फिर से बताता हूँ, जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 10, इकोनॉमिक्स से भी 10, इसके बाद बिजनेस स्टडीज से 15, एंड देन इट कम्स अकाउंटेंसी 20, एंड देन इंग्लिश पार्ट इज 25। सो दिस मेक्स योर होल सिलेबस ऑफ BCom ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑलराइट। सो दोज एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू टेक दिस एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट ईयर, आपको ये सब कुछ सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना होगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर वीडियो को पसंद करते हैं आप तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि पसंद डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम अपने वीडियोज़ में सुधार ला सके, ऑलराइट। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर कीजिए, हर किसी का ये दायित्व बनना चाहिए, हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जरूर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर आने वाले हैं जो आपको मददगार साबित होंगी। सो लास्ट बट नॉट दिस, आई वॉन्ट टू सी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इतनी लंबी वीडियो को देखा आपने इतने सब्र के साथ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, शुभ दिन और जय हिंद।